नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नए और फ्रेश वीडियो में। फ्रेंड्स, आजकल के समय में भारत की लगभग 12% आबादी पथरी की समस्या से जूझ रही है। और फ्रेंड्स, पथरी की समस्या एक ऐसी समस्या है जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती है, गंभीर साबित हो सकती है। दोस्तों, पथरी किडनी में या फिर पित्त के थैली में हो सकती है। और फ्रेंड्स, यह पथरी होने का मुख्य वजह है लोग आजकल के समय में बहुत ही कम पानी का सेवन करने लगे हैं, जिससे कि कुछ मिनरल्स और विटामिन किडनी में या फिर पित्त की थैली में रुक जाते हैं और फिर उनका जमाव हो जाता है, जिससे कि वो स्टोन का रूप ले लेते हैं, पथरी का रूप ले लेते हैं। और फ्रेंड्स, आपके पेट में जगह जगह दर्द होने लगता है, जिससे कि दोस्तों आपकी समस्या बढ़ जाती है। और फ्रेंड्स, आप इसका इलाज चाहते हैं और फ्रेंड्स आप बहुत तरह के मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं और थक जाते हैं, उसके बाद से आप ऑपरेशन की सोचते हैं। तो फ्रेंड्स, ऑपरेशन कराने से पहले आप इस दवा का एक बार इस्तेमाल अवश्य करें। दोस्तों, एक ऐसी औषधि है जिसके इस्तेमाल से बड़ी पथरी को तोड़ा जा सकता है और मूत्र मार्ग के माध्यम से बाहर निकाला जा सकता है। दोस्तों, इस दवा का इस्तेमाल बहुत सारे लोगों ने किया है और उनकी पथरी की समस्या दूर हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक अवश्य देखें और वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं इस दवा के बारे में। दोस्तों, इस दवा का नाम है क्लियर स्टोन, जो कि दोस्तों एक होम्योपैथिक मेडिसिन है और फ्रेंड्स से किसी भी होम्योपैथ की दुकान पे बहुत ही आसानी से मिल जाती है। दोस्तों, इसके इस्तेमाल से आपकी बड़ी से बड़ी पथरी बहुत ही आसानी से टूट जाएगी और बाहर निकल जाएगी। लेकिन दोस्तों, इसके लिए आपको इसका सही इस्तेमाल जानना होगा। दोस्तों, अगर आप इसका सही इस्तेमाल करते हैं तो आपकी पथरी की समस्या काफ़ी तेज़ी से खत्म हो सकती है। तो फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं आपको इसका इस्तेमाल कब करना है और कैसे करना है। दोस्तों, इस ड्रॉप को इस्तेमाल करने के लिए आपको सबसे पहले चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, आधी गिलास की मात्रा में गुनगुना पानी। जी हाँ दोस्तों, आपको गुनगुना पानी लेना है और फिर उसके बाद आपको लेनी होती है ये ड्रॉप। दोस्तों, आपको इसके ड्रॉप की लगभग 15 से 20 बूंद की मात्रा लेनी होती है। तो फ्रेंड्स, आप इसमें 15 से 20 बूंद की मात्रा में ये ड्रॉप डाल लें। और फ्रेंड्स, इसके बाद आप इसे अच्छे से मिला दें। और फ्रेंड्स, अच्छे से मिला देने के बाद चलिए जानते हैं आपको इसका कब इस्तेमाल करना है। दोस्तों, आपको इस तरह से इसे 3 बार दिन में तैयार करना है, सुबह, दोपहर और शाम में। और फ्रेंड्स, आपको इसका सेवन करना है। दोस्तों, आप इसे खाना खाने के बाद पी लें और फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा पानी का सेवन करें, जिससे कि दोस्तों आपकी पथरी बहुत ही आसानी से टूटकर और मूत्र मार्ग के माध्यम से बाहर निकल जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की बेहतरीन जानकारी। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।